गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के स्वर्णिम दो दशक धरोहर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार राहुल देव ने जनहित, सत्ता के सवाल और पत्रकारिता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता से हमारी मित्रता हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता की सत्ता से मित्रता नहीं हो सकती है। पत्रकार असुरक्षित है क्योंकि उसे रोज धमकियां मिलती हैं, हमले होते हैं, उसे नौकरी से निकालने की धमकी मिलती है। राजनीतिक भी इस बात को नहीं समझते हैं कि सच्ची पत्रकारिता कैसे की जा सकती है। असली पत्रकारिता की स्वतंत्रता संपादक की नहीं, मालिक की होती है। कुछ बिरले पत्रकार मालिक बन गए हैं, लेकिन वो भी उन्हीं मालिक की तरह हो जाते हैं। सत्ता और पत्रकारिता के अंतर संबंध को समझना चाहिए। आज गरीबी की टकराहट नहीं है, अस्मिताओं की टकराहट है। आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो हम नहीं जानते कि आप क्या हैं। आप राष्ट्रवादी नहीं तो जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं। आज पत्रकारिता भी इसी के बीच फंस गई है। मेरे बहुत पुराने, कम से कम 3-3.5 दशक पुराने मित्र शाहनवाज जी पत्रकारिता के बचपन के लंगोटिया अकु श्रीवास्तव जी और हमारे बहुत ही गूंगा उदार हृदय और बहुत कुशल मेजबान प्रभाकर और मार्कंडे मणि और रामेंद्र जी और मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण यात्रा है, बड़ा पड़ाव है। और इस बीच आप सब ने, इस संस्था ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वो निस्संदेह प्रभावशाली हैं और मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार इस प्रेस क्लब के कार्यक्रम में बुलाने योग्य समझा गया और ये एक अच्छा सुखद संयोग है कि आज 15 जुलाई को हम यहाँ पत्रकारिता पर बात कर रहे हैं। उस क्लब के 2 दशक पूरे होने पर, जिसका उद्घाटन मेरे पत्रकारिता पिता प्रभाष जोशी जी ने किया था और आज जिनकी स्मृति में जो हम हर साल एक प्रभाष प्रसंग नाम का कार्यक्रम करते हैं वो आज दिल्ली में हो रहा है और पहला अवसर होगा जब मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा, लेकिन वो चूँकि ऑनलाइन है इसलिए देखने की कोशिश करेंगे। और मैं रघु की तरह बधाई देना चाहूँगा आज के विषय के लिए भी। तो जो अकू ने कहा वो सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और उनको मैं कोशिश करूँगा कि दोहराऊँ नहीं, सिवा ये कहने के कि उसकी एक एक, उसका एक एक शब्द सही है, विचारणीय है और हमारे समक्ष आज भी एक चुनौती है, सत्ता और पत्रकारिता। तो इसमें 3 अलग-अलग क्षेत्र अंतर्निहित हैं। जनहित एक है, सत्ता दूसरी चीज है, पत्रकारिता तीसरी चीज है। 3 अलग एक दूसरे से जुड़े हुए लेकिन अलग अलग क्षेत्र हैं। जनहित हम सब समझते हैं, जनहित क्या है, रोटी कपड़ा मकान की बात हुई, बुनियादी हमारी आवश्यकताओं की, एक देश की और जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनकी बात हुई, कुछ भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान वो भौतिक आवश्यकताएं हैं, कुछ अभौतिक लेकिन शायद भौतिक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ होती हैं, स्वतंत्रता, समता, न्याय, शोषण से मुक्ति, ये अभौतिक हैं, दिखती नहीं, लेकिन हम सब ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं कि कुछ क्षण आते हैं कि हम स्वतंत्रता के लिए या समता के लिए या न्याय के लिए अब रोटी कपड़ा मकान भी छोड़ने को, बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। बात करें तो जनहित यानी भौतिक समस्या, भौतिक आवश्यकताएं जो जीवन की आवश्यकताएं हैं और अभौतिक आवश्यकताएं, इन दोनों को शामिल करना चाहिए, जब हम करेंगे तभी वो जनहित होगा। केवल सड़क बनाने से एक शहर का उद्धार नहीं हो सकता, केवल अच्छे पुल बनाने से एक शहर बड़ा नहीं हो जाता या देश बड़ा नहीं हो जाता, देश के लोगों को बड़ा बनाने से देश बड़ा होता। जन क्या है? वो केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो केवल शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, वो एक बुद्धि है, वो एक चेतना है।
ये कुछ बुनियादी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आजकल कई शब्द बड़े प्रचलन में, जनहित तो हमेशा ही रहता है, जन चेतना, जनहित, लोकहित, लोकहित, लोकतंत्र, जनतंत्र आदि आदि। इसके साथ आजकल थोड़ा ज्यादा चर्चा में है देश हित और राष्ट्रहित। पहले देश ज्यादा प्रचलित था, अब राष्ट्र शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और उसके साथ एक शब्द और है जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन वो है बहुत, उसकी उपस्थिति हर जगह मौजूद होती है, वो है राजहित। राज यानी जो राज्य है, स्टेट, उसका है। तो आज हमारे पास इस भारतीय राज्य के दो बहुत विशिष्ट प्रतिनिधि मौजूद हैं, इसलिए मुझे बहुत विशेष आनंद है उनकी उपस्थिति में ये बात कहने का। और दोनों ही बहुत विचारवान और मौलिक चिंतन वाले लोग हैं, इसलिए मुझे इसकी थोड़ी और विशेष प्रसन्नता है। होता क्या है कि कई बार आप देखें कि जो राज कर रहा, राजकर्ता जो है, उसकी दृष्टि राजहित के बारे में और देश हित के बारे में जनता की दृष्टि से एकदम अलग होती है। उसका सबसे प्रमुख क्या हित क्या है? अपने को बचाना, अपने राज को कायम रख, पहले तो राज में आना, फिर उसको कायम रखना और उसको आगे बढ़ाना, अधिक से अधिक जितना हम राज कर सकें, राज्य की सत्ता पर रह सकें, वो एक राजकर्ता का हित है। और स्वाभाविक है कि मनुष्य जब से संगठित एक सभ्यता बना है, मनुष्य सभ्यता जब से है तब से ये ऐसा ही है, और इसी कारण राज्य का या राज का एक चरित्र होता है। वो चरित्र जन चरित्र से अलग होता है, जनहित से भी अक्सर अलग होता है, हमेशा नहीं। आदर्श स्थिति हो, राम राज्य हो, तो राजहित और जनहित में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो राम राज्य में ही, उसकी उस आदर्श परिकल्पना में ही संभव है। पत्रकार मारे जाते हैं, हमलों में घायल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ भी आप में से अभी मैं अगर ढूंढूँ तो कम से कम 25 कहानियाँ यहाँ निकल आएंगी ऐसे पत्रकारों की जिनके ऊपर हमले हुए हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनको नौकरी से निकाला गया है, निकलवाया गया है, धमकियाँ दी गई हैं, सब कुछ किया गया हो। तो हमारे पास न्यायपालिका की सुरक्षा नहीं, लेकिन काम हमारा भी तो वही है। और सबसे बड़ा अंतर है कि न्यायपालिका को, न्यायाधीश को फैसला देने के लिए कई साल का समय मिलता है। वो चाहे तो मुकदमा जटिल हो तो उसके ऊपर कोई समय की बाध्यता नहीं होती, और जितना जटिल मामला उतना लंबा समय। हमारा काम तो रोज, हमें रोज फैसला सुनाना, हमें रोज एक चीज तय करनी कि सही है या गलत है, इसको मैं सकारात्मक रूप से लिखूं या नकारात्मक रूप से लिखूं, यह हमें रोज फैसला करना पड़ता है हर खबर में, और टीवी के समय तो और भी ज्यादा हर क्षण। ये जो पत्रकारिता की प्रकृति है श्री प्रताप जी, इसको बहुत कम हमारे मित्र समझते हैं। जो लोग राजनीति में हैं वो भी मित्र नहीं समझते कि पत्रकारिता भीतर से काम कैसे करती है। इसलिए हमें कई तरह की बातें, हमें कई बार उपदेश दिए जाते हैं, आदर्शवादी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए आदि आदि। लेकिन आदर्शवादी और सत्यवादी होने के लिए समाज और राज भी, इसको मिलकर जो पत्रकारिता को, सच्ची और सार्थक पत्रकारिता को जो संरक्षण देने की जरूरत है वो कौन देता है? कौन बचाने आता है किसी पत्रकार को पिटने से या हमले से या गलत नौकरी से निकाले जाने पर? उसकी बहुत मदद करता है ना, सरकार करती है, संभव नहीं है, हमें सरकार की मदद चाहिए भी नहीं, हम नहीं चाहते मन से, ना समाज करता है, और अब तो दूसरे पत्रकार भी नहीं करते, पहले ट्रेड यूनियन होती थी, अब वो भी संभव नहीं होती थी। तो जिस दिन हम पत्रकार, हम सब यहाँ बैठे, हम लोग पूरी अपनी ईमानदारी से काम करने लगे, तो हम एक हफ्ते के भीतर या तो पीट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे या भगा दिए जाएंगे। ईमानदारी का सच नहीं है, हकाल दिए जाएंगे। हम भी श्रेष्ठ पत्रकारिता करना चाहते हैं, ऐसा कोई पत्रकार नहीं होगा जो श्रेष्ठ आदर्श
सार्थक पत्रकारिता न करना चाहता, हमारे भीतर जो हमारी पत्रकारी आत्मा अगर सचमुच है और हम पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार बने हैं तो हमारे भीतर वो आग और चिंगारी हमेशा रहती है। लेकिन हमारी स्थितियाँ, हम मजबूर हैं। एक बड़ा संपादक भी, अंततः मैं और अपू दोनों यहाँ बैठे हैं, हम लोग मतलब आधा जीवन हम संपादक रहे हैं, हम आपको बता सकते हैं कि असली पत्रकारिता की स्वतंत्रता संपादक की नहीं, मालिक की होती है।